पात्र का कल्याण होगा वो भगवत कथा से ही होने वाला है, वरना संसार में ना आज तक किसी का कल्याण हुआ है और ना कल्याण होगा। जो कुछ भी होगा भगवान की कथा और लीला से ही होने वाला है। सगुन अगुन नहीं कछु भेदा, गावे मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन रूप अलक अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो गुण रहत सगुण सोई कैसे, जलहि मा उपलब्ध लग नहीं जैसे। मुनि पुराण विद्वान तथा चारों वेद यही तथ्य गाकर कहते हैं कि गुण सगुण और निर्गुण के कुछ भी भेद नहीं है। जो प्रभु परमेश्वर श्री राम निर्गुण स्वरूप अलक्ष्य और अज हैं, वे ही भक्त के प्रेम के बस होकर सगुण रूप बान सबके लिए दृश्य और जन्मवान हो जाते हैं। जो गुणों से रहते हैं वे किस प्रकार से सगुण हैं, जैसे जल बर्फ और ओले अलग नहीं है। वही जल तत्व पिघल कर जल बन जाता है और तापमान में 0 डिग्री पर चले जाने पर अधिभूत होकर छोटे छोटे टुकड़ों में ओला बन जाता है, बर्फ का पहाड़ भी बन जाता है। वही समझो। जा सुनामा ब्रह्मति मेरे पतंगा, तय किमि हो कहे विमोह प्रसंगा। जो पतंगा होता है ना, भ्रम रूप अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य है। पतंगा जो होता है उसे भगवान सूर्य तुरंत नष्ट कर देते हैं, उनके लिए विमोह प्रसंग कैसे कहे जा सकते हैं। राम सज जासु नाम ब्रह्म तिमिर प्रसंगा, ते किमि कहे विमोह प्रसंगा। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं कहूँ मोहन सा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तय पुण्य भे ज्ञान बयाना। राम क्या है, उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र के समक्ष मोह का लघुत्तम अंश भी नहीं रह सकता। भगवान श्री राम स्वभावतः प्रकाश रूप है, फिर वहाँ विज्ञान के प्रभाव नहीं रह सकता है। अर्थात जहाँ निरंतर मध्यान ही हो, वहाँ कैसा प्रातः काल। हरस विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहिमित अभिमान, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। भगवान राम क्या है, भगवान राम ही सर्वस्व है, परमानंद को देने वाले भगवान राम ही है। जो कुछ भी जो आनंद आपको अनुभव होगा वह भगवान राम के द्वारा ही। आप देखना कितने भी दुखी हो कितने भी, लेकिन जब भगवान के सामने बैठो आंखें बंद करके भगवान के चित्त को मन में रख करके फिर भगवान का ध्यान करो, ध्यान करने से वह आपको शांति प्राप्त होगी। कि माया का पहाड़ भी लगाओ वह भी आपको विचलित नहीं कर सकता, वह होता है भगवान का ध्यान। और उसी ध्यान से हमें भगवान में जो मन लगने लगता है, भगवान में मतलब विशेष प्रीत होने लगती है। वह एक ध्यान, पहले तो सबसे पहले हमें आसन को सिद्ध करना होता है, आसन को बैठने की आदत। एक आसन, जैसे हम कथा सुनने गई, हमारी माता बहने कहीं जाती हैं कथा सुनने, पाए कर ले व्यास गद्दी की ओर, तो क्या खाक तुमने कथा सुनोगी? व्यास भगवान और ग्रंथ की ओर आपने पांव कर रखे हैं तो आप कथा नहीं सुन सकते हो। उसी तरह से यदि आप भगवान के लिए पहले आप आसन को एक सा करो, आसन में बैठने की प्रैक्टिस करो, फिर मन वचन कर्म सबसे सीताराम 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 सीताराम, जैसे प्रेमानंद महाराज जी बोलती हैं राधा 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 सर्वस्व राधा है, उसी तरह से जिसमें भी प्रेम हो, हमें सीताराम में प्रेम है इसलिए हम बार बार सीताराम कहते हैं, हमें सीताराम सीताराम सीताराम। अरे भैया जब भी चलती
तुम्हें चलते फिरते उतरते उठते बैठते सीढ़ियों से उतरे तो सीताराम सीताराम कर लो। सफर कर रहे हो ट्रेन में, नौकरी जॉब, सीताराम सीताराम सीताराम, खड़े हो सीताराम सीताराम, अरे भैया सब्जी काट रहे हो सीताराम सीताराम सीताराम, रोटियां बेल रहे हो सीताराम। जब तुम इस तरह से करने लगोगे बैठ के, फिर भगवान तुम्हारे लिए उस तरह की व्यवस्था कर देंगे कि तुम, आपके लिए भगवान समय निकाल देंगे कि आप एक घंटा बैठ सको। फिर एक घंटा बैठने की प्रैक्टिस शुरू करो, एक घंटा बैठो और फिर सीताराम सीताराम गुरु मंत्र का जाप करो। गुरु देते हैं उस मंत्र को, सीताराम तो ये है कि हम चलते फिरते जाप कर सकते हैं, लेकिन गुरु मंत्र का आसन पर जाप करना होता है। इसलिए बैठो आसन पे और हिलो डुलो मत, एक घंटा आसन करो। ऐसे ही जब हम रामचरितमानस पढ़ें, शिव पुराण पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, उसमें हम एक जैसे बैठकर एक आसन पे पढ़ें, शुद्ध अवस्था में पढ़ें। रामचरितमानस हम स्त्री पुरुष सब पढ़ सकते हैं। भागवत जो कथा है, उस भागवत कथा को वैसे ज़्यादातर वेद व्यास जी ने कहा होगा, जितने भी हमारे यहाँ ग्रंथ सदग्रंथ और भागवत हुए, पुराण उपनिषद जो, इन सबको पुरुषों ने ही गाया है, महिलाओं का कहीं उल्लेख नहीं है। लेकिन फिर भी पढ़ने की कभी किसी ने मना नहीं है, सबने कभी पुत्र से कभी खुद पढ़ के, क्योंकि ज्ञान पढ़ने के लिए किसी के लिए मनाई नहीं रही हमारे ग्रंथों में, हम पढ़ सकते हैं। शुद्ध अवस्था में हम बगैर व्यास गद्दी के हम उसको पढ़ सकते हैं, पढ़ के जो भी टूटी फूटी वाणी से बने हम एक दूसरे से बांट सकते हैं। तो वह भगवान की लीला, भगवान का प्रसाद, भगवान को सुनो। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। भगवान में प्रीत होने लगेगी क्योंकि वही परम ब्रह्म परमात्मा है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट बराबर नाथ, रव कुल मन मम स्वामी, सोई कैसी बनाए उमात। निज ब्रह्म नहीं समुझाए अज्ञानी, प्रभु परमो अधरही जड़ प्राणी। भगवान की लीला को नहीं समझते हैं और मोह के कारण भगवान पर ही मोह करने लगते हैं। जड़ प्राणी जो होते हैं भगवान से ही की माया में फंस जाते हैं। जता गगन धन पटन पटल नियारी, जहाँ पे उबानु करही को बेचारी। और भगवान पर मोह करके क्या करते हैं, चित भज लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तई के बाए। जिस प्रकार आकाश में मेघों के समूह को देखकर कुछ चिंत विचार वाले लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है, जो लोग अपनी आंखों में उंगली लगा कर देखते हैं उनकी दृष्टि में चंद्रमा दो प्रतीत होते हैं, जबकि वह भेद उंगली के कारण होता है, ना कि चंद्रमा का स्वाभाविक भेद है। वही मनुष्य माया में फंसे हुए जीव प्राणी, बस वही फर्क होता रहता है। वो माया में पड़ने के कारण संसार में भेद अभेद करने लगते हैं। और भगवान के भेद, जो भगवान में जो करते हैं ना भेद, वे मूर्ख प्राणी होते हैं। अब ऐसे मान लो कि एक प्रश्न कर रहा था वो व्यक्ति कि जो बता भगवान राम पे दुख ज्यादा पड़े कि कृष्ण पे दुख ज्यादा पड़े। अरे भैया मूर्ख हो, भगवान तो क्या है के बिनु पग चलाए सु ने बिनु काना, पर बिन करम करही विधि नाना। वो तो बिना सब कुछ कर सकते, उनपे क्या दुख क्या सुख। वो तो हम तुम जैसे मूर्ख लोग इस संसार में आकर के कहीं भटक ना जाएं, धर्म का साथ ना छोड़े, फिर भी लोग छोड़ रहे हैं। भगवान ने इतनी लीलाएं की, इतनी कथाएं भगवान ने की, सब कुछ लीला हमारे तुम्हारे लिए किया, और इतने ग्रंथ स्वयं रामचरितमानस भगवान उसमें प्रविष्ट है। स्वयं भगवान रामचरितमानस को पढ़ने से हर समस्या का समाधान मिल जाता है।
फिर भी लोग माया में पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं। अब पिछली ब्लॉक में निकल आया कि इस तरह से माया में पड़े हुए हैं, जैसे कि मदरा पी करके लोग पड़े हुए हैं, वो मोह माया की मदरा पी करके पड़े हुए हैं। वह है संसार, तो इस तरह से मोह ममता में चलता ही रहता है। चलता रहता है संसार तो। और क्या है कि वो लोग जो मोह ममता में पड़े हुए हैं, उन लोगों के बारे में क्या कहना, भगवान सब समर्थवान है। इसके लिए आप सबसे पहले रामचरितमानस का पाठ करना शुरू करो, और जितना हो सीता राम, राधा राधा, गौरी शंकर, जो भी तुम्हें प्रिय हो वह नाम जप करो। सब आपके जितने भी प्रश्न बुद्धि में घूमते होंगे ना, सब प्रश्नों का उत्तर खुद पे खुद ही मिल जाएगा। किसी से सुनने और पूछने की जरूरत ही नहीं है, कि तुम पूछो सुनो और करो। बस रामचरितमानस पढ़ो और जाप करो, जितना हो जाप करते रहो और रामचरितमानस पढ़ते रहो। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम, मायाधीश का भजन करो ध्यान करो। जासु सत्यता ते जड़ माया, बास सत्य इव मोह साया। इसके भ्रम से निकल करके क्या करो, यह चिदानंदात्मक जगत प्रकाश्य है, भगवान श्री राम उसके प्रकाशक है। यह जगत तो प्रकाशक है लेकिन भगवान प्रकाशक है। वे माया के अधिपति तथा ज्ञान एवं कल्याण गुणों के धाम है। भगवान राम ही हमारा और आप तुम्हारा सबका कल्याण करेंगे, वे क्योंकि गुणों के धाम है ना भगवान राम, तो जिनकी सत्यता से मोह की सहायता करने वाली यह जड़ माया भी सत्य की भांति वास्ती है। जो माया भी है वह भी जड़ हो जाती है भगवान की कृपा से। रजत सीप मैं मांस जमी, कथा बानु कर बार, तदप मृसाती हूँ काल सोई भ्रमण सक को टार। कोई संसार का भ्रम नहीं टाल सकता है, क्योंकि सूर्य नारायण की किरणों का आवास होता है। उसी प्रकार परमात्मा की सत्यता से परमात्मा में इस मायिक प्रपंच का भान हो रहा है, तथापि वह तीनों कालों में मृसार्थात परिवर्तनशील है। परंतु इस भक्त भ्रम की कोई टाल नहीं सकता, इसे तो भगवान कृष्ण की कृपा से समाप्त कर पाती है। माया को भगवान की कृपा ही समाप्त करती है। जब तक भगवान नहीं चाहते हैं हम और आप माया में जकड़े हुए रहते हैं। लेकिन अब कहोगे कि भगवान की कृपा का ऐसी मिल जाएगी क्या, दाल रोटी के किसो मिल गई भगवान की कृपा और हम माया से दूर रह गए? नहीं, इसके लिए करना पड़ेगा रामचरितमानस पढ़ना पड़ेगा और सीताराम का जाप करना पड़ेगा। जब भी आपको टाइम मिले, सुबह हो शाम हो, जब भी टाइम मिले नाम जप करो, नाम जप करो, जितना भी हो नाम जप करो जितना हो सके। हम ये नहीं कि तुम्हें नाम जप, राम नाम तो एक बहुत है। कैसे कि देखो, एक चौपाई आती है सबसे पहले वंदना में आती, उसमें कि देखो भगवान ने सबकी, तुलसीदास जी ने सबकी वंदना की, सबका तारना लिखा, किसका किसका नहीं ऐसे नहीं। एक आप सोचो मलेच्छ का भी उद्धार हो गया। कैसे कि जब वो गए, आप जानते हो हम कुछ कहेंगे नहीं, कुछ हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, वो लघुशंका के लिए गए और बैठे, उन्हें सुगर ने आके मार दिया, और मार दिया तो उनके मुंह से निकल गया कि अरे हराम ने मार दिया। राम शब्द कहने के कारण उनके जुबान से निकल गया राम, और उससे ही उनको मुक्ति प्राप्त हो गई। जब एक बार राम नाम की, कई बार है कि एक सब जगह घूम आए लेकिन उसका पता ही नहीं लगा कि राम नाम की महिमा कितनी है, तब जाके तो एक राम नाम बहुत है, फिर इतने क्यों ले? नहीं, एक राम नाम से मुक्ति हो जाती है, लेकिन बार बार मुनि जितन कराई अंत राम कहे आवत नाही। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो अंत समय में शायद हमारे मुख से राम निकल जाए। ये तो हम मान लो कि पैसा इकट्ठा कर लिया, बैंक में रख लिया कि बुढ़ापे में हमारा काम आ जाएगा, उसके लिए रखते हैं। उसी तरह से हम राम नाम को अपना रख लेते हैं, तो
तो वो हमारा भविष्य में काम आ जाता है, बुढ़ापे में हो सकता है हमारे मुख से राम राम निकल जाए, नहीं नहीं निकले, उसके लिए ये राम नाम है। और नमो राघव भाई, जैसा भी आपको हमारे ये लगे कमेंट बॉक्स में लिख देना। जय श्री सीताराम, जय श्री सीता।